Please subscribe my channel and click the bell icon. आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। पहले गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाकर 3-4 चम्मच देसी घी डालेंगे। 1 किलो गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। गाजर को हम घी में डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे गाजर को भून लेंगे। कवर ढक देंगे। गाजर को ऊपर नीचे करके फिर से कवर ढक देंगे। इधर गाजर पक रही है, दूसरी तरफ हम खोया बना लेंगे। हम घर में आसानी से दूर से खोया बना लेंगे। हम यहाँ पे 2 कप दूध ले हैं। देखिए हमारा दूध आधा हो गया है। रैपिडी फॉर्म में आने के बाद और थोड़ा कुक करेंगे तो हमारा खोया बन जाएगा। गाजर को हमने पूरे 15-20 मिनट के लिए पका लिया है। बीच बीच में चलाते रहे हैं। गाजर सॉफ्ट हो गया है। दूध 1 कप डाल देंगे। दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी 1/2 कप डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलाते रहिए। कवर ढक दीजिए। गाजर गाढ़ा होने देंगे। कवर ढक देंगे। बीस पच्चीस मिनट के बाद हमारा गाजर रेडी हो गया है। बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्राई की हुई ड्राई फ्रूट डालेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ पे 5-6 इलायची यूज की हूँ।
हमने तैयार किए हुए खोया डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा हलवा का कलर और टेक्सचर अच्छे से आया है। हलवा के ऊपर ड्राई फ्रूट डालकर गर्मा गर्म सर्व करिए।